हाँ भाई, ये चंद मिनटों में मैं थोड़ा इस पर जो संदीप पौंडिक सर ने ट्वीट किया है उस पर मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ। इनका कहना है क्या कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत अंतिम अवसर के रूप में निम्नलिखित के रूप में अंतिम तिथि 28 फरवरी 2023 तक बढ़ा दी गई है। आपको मैं बता दूँ कि आपको मैंने बताया था जो ड्राफ्ट अप्लीकेशन के बारे में ये क्या होता है, तो यहाँ पर ये समझिए कि ये जो दिया गया है ना सेशन 2022-23 का करेंट अकाउंट विवरणी एवं ड्राफ्ट अप्लीकेशन के मामले में दस्तावेज देने हेतु, तो ये क्या किया है कि ड्राफ्ट अप्लीकेशन में टोटल जितने सारे लोग का वैसे अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट साफ नहीं दिखता हो, अपठनीय हो, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको ड्राफ्ट अप्लीकेशन में डाल दिया है ताकि उनको 15-15 दिन के लिए या 7-7 दिन का साधन 7 दिन का उसका मौका दिया गया था कि उसको जो है ना जब तक उस थोड़ी ना उस 7 या 15 दिन उनका क्या कर दिया गया 28 फरवरी तक ले उनको ये जितने सारे यहाँ पर जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन में है। अब वो आपको आप कहिएगा कि हमर ड्राफ्ट में डाला है कि नहीं डाला, वो आपको तो नहीं पता चलेगा, वो लोग का ही पता चलेगा, वो सबको देखेगा कि भाई किसका गलत दस्तावेज है और किसका ड्राफ्ट में है। तो यहाँ पर 28 फरवरी 2023 तक इसका डेट है ड्राफ्ट एप्लीकेशन के मामले में दस्तावेज अपलोड करना है। इसके बाद सेशन हो गया 2021-22, सेशन 21-22 प्रथम किस्त का यूसी एवं बिल देने हेतु अंतिम मौका इसको दिया गया है, तो ये अंतिम मौका भी बढ़ा करके 28 फरवरी तक ही कर दिया गया है। तो ये 28 फरवरी तक आपका कौन कौन है, तो 2021-22 में प्रथम किस्त का जो यूसी बिल का क्या होता है, जो अरे भाई जो आपका मास्टर हो गया, उपयोगिता प्रमाण पत्र हो गया, सारा चीज़ आप देंगे ना बिल भाउचर बना करके, तो वो आपको देना है। अंतिम मौका ये 28 फरवरी 2023 तक ही रखा गया है, समझ में। तो आइए एक नज़र मैं डाल देता हूँ, जैसे कि 31 यहाँ पर देखिएगा ना 31 जनवरी 2023 को जो मीटिंग बैठाया गया था उसमें निर्णय लिया गया था ड्राफ्ट जो कैटेगरी है वो क्या होता है, वो समझिए यहाँ पर क्या है कि क्लियर किया हुआ है ना कि ड्राफ्ट कैटेगरी में किसको, तो ड्राफ्ट कैटेगरी में डाला गया है कि कुछ ऐसे आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों में विवरणी या तो स्पष्ट नहीं है, समझ रहे हैं कि बहुत सारा का जो विवरण दिया हुआ है बैंक डिटेल्स हो गई सब स्पष्ट नहीं है या अपूर्ण है, यानी पूर्ण नहीं पूरा नहीं है, समझे। तो ऐसे आवेदक को ड्राफ्ट कैटेगरी में रखने का प्रस्ताव रखा गया है, है ना, तो क्यों रखा गया है, ताकि उन्हें वांछित या स्पष्ट दस्तावेज को अपलोड करने का अवसर मिल सके। ऐसे आवेदकों की संख्या जो है टोटल ये दिया हुआ है, टोटल जो है 1042 लोग हैं जिनका ड्राफ्ट कैटेगरी में डाला जाएगा, और उस सभी का या तो कॉल करेगा, बहुत का तो कॉल भी आया है, और या तो ईमेल पे आपको मैसेज जाएगा कि मैंने आपको सही दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन दिया है, आप अपलोड कीजिए। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि साथ ही कुछ ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने गलत कैटेगरी में आवेदन दाखिल किया है ये अथवा पोर्टल पर अपलोड किए गए अस्थायी पत्रता से भिन्न स्थान पर कारोबार करना चाहते हैं, तो उसको क्या करना है कि योग्यता श्रेणी में यानी उनको लाभ नहीं दिया जाएगा, जो कैटेगरी गलत है उसको लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये टोटलिंग ये पूरा बात है, ये PDF भी मैंने टेलीग्राम पे डाला है, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो था ना ड्राफ्ट कैटेगरी वाला का, तो इसको बढ़ा करके 28 फरवरी 2023 कर दिया गया है। को मैं बता दूँ कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जितने सारे चयनित लाभुक है उसको GST एवं करेंट अकाउंट देने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, यह लगातार आपको 15-15 दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है। हालांकि यहां पर जो अंतिम तिथि कर दिया गया है 28 फरवरी 2023 तक बढ़ा दी गई है, और यहां पे एक वार्निंग भी दिया गया है कि ये जो आवेदक को ये अंतिम अवसर है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई आपको क्या करना है कि हो सकता है कि आपको अंतिम मौका नहीं देगा, तो इसमें क्या करेंगे, तो जल्दबाजी में आपको कैसे किया जाना है वो पहले समझ लीजिए।
मेरा ये कहना था कि आपको हो सकता है कि जीएसटी रिजेक्ट करता होगा, इसके कारण आपका मान लेते हैं कि आपका एक करेंट अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, तो पहले जीएसटी के चक्कर में आपको नहीं रहना है। हालांकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जीएसटी एवं करेंट अकाउंट देना है, तो जीएसटी अपलोड तो नहीं होगा, लेकिन जीएसटी जब आपका करेंट अकाउंट ओपन होगा तो उसमें आपको मांगेगा। इसमें हो सकता है कि आपको कहना होगा कि मैंने तो करेंट अकाउंट भी ना विदाउट जीएसटी का बना लिया है, अब हम क्या करेंगे। तो ये इसमें क्या है कि लेकिन जीएसटी यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है, जीएसटी आपको करेंट अकाउंट भी अगर आप अपलोड मान लेते हैं कि आपका करेंट अकाउंट ओपन हो भी गया है फिर भी आपको जीएसटी बनाना चाहिए। तो यहाँ पे ये अंतिम तिथि लगातार 15-15 दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि मैंने तीन बैंक का मैंने नाम आपको बोल दिया था कि तीन बैंक का, जैसे कि आपका यहाँ पर एक हो जाएगा और दो और तीन, ये तीन बैंक मैंने कौन, एक्सिस बैंक हो गया, एक आपका ग्रामीण हो जाएगा, समझे सर। तो ग्रामीण में तीन होता है, एक उत्तर, अगर उत्तर बिहार में होगा होती तो वो उत्तर होगा या मध्य होगा या दक्षिण होगा। तो ऐसे में जो ग्रामीण बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक आपको करेंट अकाउंट क्या होगा कि ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं, जो CSCID चलाता हो या स्पाइस मनी के अंतर्गत और पे नियर बाई, स्पाइस मनी और पे नियर बाई अगर कोई चलाता है तो वो भी आपका एक्सिस बैंक में खाता ओपन कर सकता है। तो ये हो गया एक्सिस बैंक में आप ओपन करवा ले सकते हैं, या तो बहुत ऐसे बैंक जो आपको प्रोस में आपको विजिट करना है, आपको वहाँ पे जाना है और उनको बोलना है कि सर मेरा GST नहीं बना है, क्या विदाउट GST का हो सकता है। तो ये हो सकता है कि उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन से आपका ओपन हो सकता है, तो उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन बना लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बनेगा और GST भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा। तो ये सब है आपको ये, हाँ एक चीज़ आपको ये डाउट होगा कि मैंने ग्रामीण में खुला, जब आप खुलाएंगे तो ग्रामीण वाले को क्या होगा मेरे भाई, तो क्या होगा जब आप ग्रामीण बैंक में ओपन करेंगे ना, तो उसमें जो कैंसिल चेक आपको देगा वो हाथ का लिखा हुआ और होगा। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर हाथ का लिखा चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि जब हैंड टू हैंड आपको देगा, हाथों हाथ आपको चेकबुक देगा, तो हाथों हाथ में क्या होगा, वो उसमें अकाउंट नंबर थोड़ी रहेगा। तो आप अपने से अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर फिल करेंगे और नेम फिल करेंगे और डेट को क्रॉस कर देंगे, समझे। तो कैंसिल चेक कैसे भरा जाना है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहाँ पे स्क्रीनशॉट अगर आप भेज देंगे चेक का तो मैं वहाँ पे गाइड कर दूँगा, या तो एक सैंपल आपको मैं दे दूँगा। हालांकि मैंने वीडियो अपलोड किया है कि कैंसिल चेक कैसे भरा जाता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यम योजना में जितने सारे लाभुक था उसका सही दस्तावेज नहीं दिया गया था, हो सकता है कि अपठनीय हो, गलत दस्तावेज दिया हो, तो उसको अंतिम मौका दिया जाएगा कि दस्तावेज अपलोड करने का। लेकिन जो कैटेगोरी के लेकर के उसमें आप जब रीजन स्टेटस जब चेक हो रहा था, रिपोर्ट जब चेक हो रहा था, तो रिपोर्ट के टाइम में दिया हुआ था कि कास्ट बिलोंग्स टू अदर कैटेगोरी अगर करके था, तो अदर कैटेगोरी में आप जैसे युवा वाले हैं EBC में डाले हों, EBC वाले आपको OBC में डाले हो, तो वैसे लोगों को तकरीबन 1042 था ना, हाँ वो PDF पर मैंने टेलीग्राम पे डाला है, 1042 लोग था, उसका रिजेक्ट फॉर्म हो जाएगा, उसको लाभ नहीं दिया जाएगा, उसको लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। और इसके अब क्या करना पड़ेगा, तो इसको अगले साल आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देना है कि जो भी सही दस्तावेज आपको, दस्तावेज की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, कैटेगोरी के बात हो रही है कि OBC है OBC वाले SC ST में डाल दिए हों और SC ST वाले OBC में डाल दिए हों, तो ऐसे जाति को लेकर के अगर आपने मिस्टेक किया था तो वो ऐसे उसको चांस नहीं दिया जाएगा। उनको जो 31 तारीख को जो बैठक हुआ था उसमें निर्णय हो गया है, मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो मीटिंग वाला वो देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST All Tips।